लड़ जाना मैं मार दा जहान मेनू सारा। जिस तरह से इतने सारे मेडल्स आपको मिले हैं, लेकिन आपके जो गुरु रहे हैं जहाँ से आपने प्रेरणा ली है, तो गुरु जी का क्या नाम है? जो मेरे गुरु जी हैं, जिनको मैं अपनी लाइफ लाइन समझता हूँ, लोग तो नई जनरेशन के होते हैं लाइफ लाइन और कोई बना लेते हैं, लेकिन जो मेरे गुरु हैं मैं उन्हीं को अपनी लाइफ लाइन समझता हूँ, उन्हीं को सारा क्रेडिट दिया जाता है जितना भी मेरे सब पास है, ये सब स्टंट वगैरह सिंगिंग वगैरह का भी, क्योंकि वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और मुझे बहुत अच्छे से भी सिखाते हैं। उनका नाम है लव अग्रवाल उनका नाम है, और फिर अगर मैं अकेडमी में कराते हैं, मैं मास्टर हूँ, लेकिन मैं कभी भी उनसे अलग नहीं चलता, मैं उनके दिल से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्हीं को ये सारा क्रेडिट नहीं चलता। जिस तरह से आपने लव अग्रवाल जी का नाम लिया है, वो आपके गुरु है जी, और उसी के साथ साथ जो है कहीं ना कहीं वो अदर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, और फिर भी आपको उन्होंने इतनी बड़ी ट्रेनिंग दी है, ये अपने आप में विशेष बात तो है जी। लेकिन और क्या कहना चाहेंगे अपने गुरु के बारे में आप? बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर अगला जन्म होता है तो मैं अपने गुरु का ही बेटा बन के जन्म लूँ, और मेरे लिए वो दुनिया से भी कई गुना ज़्यादा बढ़ करके हैं, जितनी मैं उनके लिए रिस्पेक्ट कर सकता हूँ, अगर उनका एक इशारा हो तो मैं जान देने के लिए तैयार, यानी गर्दन कटवाने के लिए तैयार रहता हूँ। मतलब गुरु हर एक टेक्निक मुझे उन्होंने इस तरीके से दी है कि कोई नहीं दे सकता। जिस तरह से मोहम्मद आरिफ ने बात की है गुरु द्रोणाचार्य की, जब हम बात करेंगे कि अगर उनको किसी ने गुरु मान लिया तो कहीं ना कहीं उनका शिष्य उनके लिए अपनी जान की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे उस दौर में भी, लेकिन इस दौर के अंदर मोहम्मद आरिफ अपने गुरु अग्रवाल जी के लिए कहीं ना कहीं अगर उनका एक आदेश हो जाए तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, ये अपने आप में एक विशेष बात है। और अपने गुरु की जिस तरह से आपने वंदना की है, उनकी बातें की है, और उनके जिस तरीके से आप उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, आगे भी चलते रहे, भगवान आपको, अल्लाह आपको उसके लिए तरक्की दे रहे, और आपने इस विषय को लेकर के और अपने इस प्रोफेशन को लेकर के हमसे बात करके लिए थैंक यू।